बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे जो श, व, च, क और थ साउंड्स जिनमें आती हैं। तो आप पहले फोटोग्राफ को देखेंगे, फिर बोलेंगे, फिर आप उसको राइट करेंगे, फिर वीडियो को स्टॉप करेंगे और देखेंगे कि आपने फोनिक्स के साथ जो स्पेलिंग है वो सही लिखे हैं या नहीं। तो अब आप ये देखें, ये किस चीज़ की फोटोग्राफ है, ये है शिप। तो शिप में आपको श इ, और ये है शीप। आप ये वर्ड्स पहले कर चुके हैं, तो अब आपने इनके स्पेलिंग सीखने हैं। वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और उसके बाद लिख के अपना आंसर चेक करें। उम्मीद है आपने बिल्कुल ठीक लिखा होगा। तो ये है शिप, श इप, और ये है शीप। उसके बाद ये क्या है, जब हमें कोई क्वेश्चंस पूछने होते हैं तो हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम कहते हैं वाई, व्हाट, व्हेन और वेयर। तो अब ये जो है व, डब्ल्यू एच से शुरू हो रहे हैं, तो आप वाई, व्हाट, व्हेन और वेयर के स्पेलिंग लिखें शाबाश, और उसके बाद इसका आंसर चेक करें। अब हम देखते हैं कि च, ये है चिन। आप सबको, हमें सब अल्लाह ताला ने एक चिन दी है, चिन, और आपके जो टीचर हैं वो बोर्ड के ऊपर चाक से लिखती हैं, ये है चाक। तो इसमें च की साउंड है, तो आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें, चिन और चाक के स्पेलिंग लिखें, चिन और चाक। तो ये है चिन और ये है चाक। एल इसमें साइलेंट है, लिखने में लिखा जाता है लेकिन बोलने में नहीं। और ये क्या है, ये है ब्रिक, जिससे दीवार बनती है, ब्रिक। और ये क्या है, ये आप सॉक्स पहनते हैं, सॉक, सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए। तो ब्रिक, क की साउंड आती है सी के की, ब्रिक और सॉक में। तो आप इनके स्पेलिंग लिखें शाबाश, ब्रिक, ब र इक और सॉक, स ओ क, सॉक। और ये क्या है, हम सबको अल्लाह ताला ने 32 टीथ दिए हैं, टीथ, टीथ। और ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बेबी जो है वो बाथ ले रहा है। तो इसमें हमने देखा कि हमने थ की साउंड हम यूज कर रहे हैं, टीथ और बाथ, टीथ एंड बाथ, शाबाश। अब आपने ये प्रैक्टिस की। अब हम कुछ देख लेते हैं स्ट्रिंग, नए वर्ड्स और उनके मानी। स्ट्रिंग डोरी को कहते हैं, इससे बहुत सारे काम करते हैं। फिर ये क्या है, स्क्रीन है, स्क्रीन को उर्दू में भी स्क्रीन कहते हैं, आप मोबाइल की है, टीवी की है, कंप्यूटर की स्क्रीन है। तो रिसर्च ये कहती है कि बच्चों को कम वक्त स्क्रीन के सामने गुजारना चाहिए, 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन के सामने नहीं बैठना चाहिए, और 2 साल से कम उम्र के बच्चों को तो स्क्रीन देखने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद है स्ट्राइक। स्ट्राइक एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके बहुत से मानी है, जैसे स्ट्राइक मारना, हमला करना, और इंडस्ट्रियल स्ट्राइक हड़ताल करने को कहते हैं, जैसे हिट द बॉल, एयर स्ट्राइक हमला करना, और फिर है भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक, डाइंग टू लिव, जब अपनी बात मनवानी हो सही तरीके से ना मानी जाए तो लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं। फिर स्क्रू, स्क्रू जो है वो पेच को कहते हैं, पेच हम बहुत सी जगहों को टाइट करने पे लगाते हैं। फिर थ्रोन, थ्रोन तख्त को कहते हैं। और आपको पता है कि अल्लाह ताला जो है रब्बे कायनात है, अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह वही है जो अपने अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। तो आप देखें कि हमारी ज़मीन जो है जिसके ऊपर हम रहते हैं, सोलर सिस्टम में उस, वो एक छोटी सी उसकी हैसियत है। फिर अगर आप अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के कक्षा में देखें तो हमारा सोलर सिस्टम एक डॉट के बराबर है, और फिर लोकल ग्रुप में देखें तो हमारी गैलेक्सी एक डॉट है, और फिर गैलेक्सीज इतनी है जैसे सितारे होते हैं। तो अल्लाह इतना बड़ा है, और हमें, हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें अल्लाह ने दुनिया में भेजा इबादत करने के लिए। इबादत का मतलब क्या है, अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह ताला के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, 24 घंटे हर रोज़ हर वक्त, कैसे खुशी में रवैया इख्तियार करना है, गम कैसे मनाना है, कमाना कैसे है, खर्च कैसे करना है, सोना, जागना, उठना, बैठना, बोलना, चलना, देखना, सुनना, सोचना। तो ये हर काम इबादत बन जाता है इसके लिए। फिर है स्क्रैप। स्क्रैप है काट कबाड़, तो हमें अपने दिमाग में काट कबाड़ नहीं इकट्ठा करना चाहिए। फिर मैच है, मैच माचिस की तीली को कहते हैं। और इसके अलावा मैच भी ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है, जैसे क्रिकेट मैच है,
एक चीज दो पजल्स हम एक दूसरे में फिट हो जाए तो हम कहते हैं मैच हो गई है। लोग दो एक दूसरे से मिलते जुलते हो तो हम कहते हैं इनका मैच है, और लड़ाई में भी हम मैच कहते हैं। तो मैच इज अ डिफरेंट मानी में इस्तेमाल होता है। फिर है साइट, देखना। तो प्यारे बच्चों, अगर अल्लाह के बंदे बनना चाहते हो तो फिर अल्लाह की किताब को और अल्लाह के नबी की सुन्नत को पढ़ो, उस पर अमल करो, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर।